दोस्तों आज देखिए मैं एक तरीका बताता हूँ। ये जो नया लोग होता है उनका बात मैं बोल रहा हूँ, जो YouTube का चैनल देख के किमिया का कीड़ा लग जाता है, उन सब का एक दिल का ख्वाहिश होता है, वही मैं बोलूँगा। नया लोग क्या सोचता है कि नाइट्रिक पास सामान होने से गोल्ड का साथ में मिक्स करके बाजार करेंगे और हम धनी हो जाएंगे, पैसा कमाएंगे। तो उनके लिए देखिए, नाइट्रिक एसिड में आप तो पकाने तो सकेगा नहीं, और नाइट्रिक तो खा जाएगा। तो आप क्या करिए, उसमें यूरिया डाल दीजिए, जितना नाइट्रिक है उसमें चुटकी चुटकी यूरिया डालते रहिए, और थोड़ा तांबा डाल के देखिए खाता है कि नहीं खाता है। उसके बाद यूरिया डालते डालते उसको डाइल्यूट हो जाएगा। यूरिया से नाइट्रिक एसिड डाइल्यूट होता है, उसका नाइट्रिक एसिड जो तांबा खाता है उसका पावर ख़त्म कर देगा यूरिया। तो उसमें पकाइए और अपना जो कीमिया का शौक होता है वो पूरा करिए। देखिए वैसे करने से कुछ नहीं होता है, वो डाइल्यूट हो जाएगा, कुछ भी होगा नहीं। सही तरीका सुनिए क्या करना है, सही तरीका भी मैं बताऊंगा। आप लोग तो सोचता होगा ना वैसे करने से भी होगा, नहीं वैसे करने से कुछ नहीं होगा। सही तरीका सुनिए, आप नाइट्रिक एसिड लीजिए। तो नाइट्रिक एसिड को डाइल्यूट वाइल्यूट कुछ मत करिए, अच्छा क्वालिटी का नाइट्रिक एसिड लीजिए, पावर वाला। तो उसमें आप तांबा डालिए, तांबा डालिए, तांबा डाल के खाने दीजिए। जैसा 100 ग्राम नाइट्रिक एसिड ले लिया तो उसमें जितना तांबा खाता है उतना डालिए, फिर ज़्यादा मत डालिए जो नाइट्रिक का पावर ही कम जाए। ऐसा मत करिए, थोड़ा थोड़ा करके डालते रहिए। हाँ ये खा गया तो और थोड़ा डालिए, हाँ ये खाया तो और थोड़ा डालिए, ऐसे करके खाने दीजिए। जब पूरा खा जाएगा और थोड़ा डाल के देखिए, जब अभी नहीं खा रहा है तो उसको कच्चा वाला को उठा के फेंक दीजिए, और जितना खाया तो वो पानी को क्या करिए, उसमें थोड़ा कचरा वचरा रहेगा तो उसको फिल्टर कर लीजिए कॉटन लगा के। मेडिकल का जो कॉटन आता है बिंडिस के ऊपर लगाता है, वो कॉटन लगा के फिल्टर कर लीजिए। फिल्टर करने के बाद आप क्या करिए, बिकार लीजिए, शीशा का बिकार, बिकार में ये एसिड को डाल के एसिड को उड़ा दीजिए। जब एसिड उड़ जाएगा फिर आप प्योर वाला नाइट्रिक एसिड फिर लीजिए 100 ग्राम जैसा, फिर इसको ये जो सूखा के रखा है इसका चुटकी चुटकी फिर डालते रहिए, फिर डालिए चुटकी चुटकी डाल के खाने दीजिए। चुटकी चुटकी डालते रहिए खाते रहेगा, तो चुटकी चुटकी डालते रहिए खाते रहेगा। जब पाउडर पूरा ख़त्म हो गया फिर क्या करिए, फिर इसको सुखाइए। ऐसे आप करते रहिए जब तक नाइट्रिक एसिड तांबा खाना बंद ना कर दे। जब देखेगा हाँ नाइट्रिक एसिड में तांबा नहीं खा रहा है, तब काम हो गया आपका, अपना दिल का ख्वाहिश पूरा कर लीजिए। नाइट्रिक एसिड में तांबा खिलाने के बाद क्या सिस्टम से तांबा का रेता पिटाया जाता है उसका बारे में कुछ बताना है। नाइट्रिक एसिड, जब आप नाइट्रिक एसिड में तांबा को खिलाएंगे तो ग्रीन कलर का लिक्विड हो जाएगा, नाइट्रिक एसिड आपका ग्रीन कलर का हो जाएगा। तो उसमें दिया जाता है लोहा का पत्ती, लोहा का कोई टुकड़ा उकड़ा डालना होता है। तो उसमें नाइट्रिक एसिड में जितना तांबा है और लोहा का इसमें चिपक के तब आपको प्योर तांबा मिलता है। तो सुनिए इसमें गड़बड़ क्या होता है, वो तांबा को आपका लोहा से झाड़ के निकाल लीजिए। निकालने के बाद उसको कहीं में भी हो करिए, तो उसमें क्या गलती होता है, उसमें लोहा लोहा का बुरादा भी मिक्स होता है। मेरे साथ ऐसा एक बार हुआ है, वही मैं बता रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, नौसादर नौसादर लिया, कच्चा आला, नौसादर कच्चा आला। तो उसमें मैंने क्या किया, आपका नीला तोता लिया, नीला तोता, नीला तोता। तो नौसादर का साथ में नीला तोता को खरल करके, नौसादर को भी खरल करके उसका साथ पकाना शुरू कर दिया। पकाते 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 वो फिर नौसादर उड़ना शुरू हुआ, और नीचे में जो नीला तोता है
वो बैठना शुरू हुआ, लाल लाल रंग का बैठना शुरू हो गया। तो पकाते पकाते नौसा दर पूरा धुआं बन के उड़ गया। उसके बाद नीचे में लाल रंग का पाउडर नहीं है, गोटा गोटा टाइप का, छोटा छोटा गोटा गोटा टाइप का बैठना शुरू हो गया। बढ़िया से बैठा, मुझको पूरा खुशी हो गया। हाँ बढ़िया माल तो बहुत मज़ा से बैठ गया, अच्छा माल बैठा है। उसके बाद मैंने क्या किया, उसको एसिड किया। अभी तो नाइट्रिक पास हो गया मेरा, मेरा दिल का ख्वाहिश पूरा हो जाएगा, नाइट्रिक पास माल बन गया। एसिड किया, एसिड करने के बाद में एसिड किया, तो एसिड किया तो बहुत सारा रहता एसिड में बैठा, दिल में खुशी लग गया। हाँ बढ़िया काम हुआ, बहुत रहता बढ़ गया। उसके बाद एसिड को गर्म पानी से धो धा के नीचे का रहता को सुखा उखा के निकला, तो बहुत सारा रहता निकला, लाल रंग का निकला। हाँ पूरा एसिड पास है, अभी एसिड में डालने से भी नहीं खाता है, बहुत बढ़िया बात हो गया। उसके बाद पिघलाने जब गया तब देखता है तो ये तो पिघलता ही नहीं है। हाँ ये क्या बात हो गया, ये पिघलता क्यों नहीं है। बहुत कोशिश किया, गैस से तो पिघलेगा भी नहीं, बाटी में भी मैंने डाला, ना ये नहीं पिघलता है। अरे क्या बात है, पिघलता क्यों नहीं है। उसके बाद मैंने दिमाग लगाया, अरे ये क्या बात हो गया, नाइट्रिक पास तो हुआ लेकिन पिघला क्यों नहीं। तब मैंने सोचा, मैंने दिमाग लगाया, तब क्या मालूम हुआ, जो लोहा का कढ़ाई में, लोहा का कढ़ाई नहीं है और कुछ तगारिया टाइप का था, उसमें मैंने किया था नौसादर का साथ में नीला तोता, तो क्या क्या वो लोहा का साथ में रिएक्शन हो गया, लोहा का बुरादा सब इसमें आ गया, लोहा का बुरादा इसमें आ गया। तो लोहा क्या, लोहा ये छोटा ये गैस से गैस गन से क्या पिघलेगा, नहीं पिघलेगा, छोटा मोटा भट्टी में भी नहीं पिघलेगा, टेम्परेचर हाई होता है, इसलिए मेरा पिघला नहीं। तो उसके बाद मैंने क्या किया, मैग्नेट लेकर आया, उसके बाद मैग्नेट मारा तो देखा तो जा ये सब तामा तो मैग्नेट में चिपक रहा है, सब तामा चिपक गया। हाँ ये सब तामा तो रहता ही नहीं है, तामा तो उड़ गया, ये सब लोहा जो तगारिया जो लोहा का बर्तन में किया था उसका जितना लोहा है सब इसी में आ गया, आने के बाद ये लोहा बन जाता है। इसका गलती से भी आप लोग दोबारा मत करिए, ये फॉर्मूला बकवास फॉर्मूला है, नाइट्रिक पास करने का नौसादर के साथ होता ही नहीं है, उसमें लोहा का बुरादा आके और तो कोई दूसरा बोलेगा सांड हो गया है, सांड फंड कुछ नहीं होता है, ये लोहा होता है, कुछ नहीं होता है, लोहा है, उसका मत करिए आप लोग, अच्छा नहीं है।